दोस्तों, इस हमारे टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ये सैमसंग मॉडल नंबर है 6102। इसका प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। पहले मोबाइल वाटर डैमेज होने के कारण ये प्रॉब्लम आया है। दोस्तों, देखो वाइट दिखा रहा है। मैं इसका आपको एजी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका प्रॉब्लम जम्पर लगाने से भी होता है और जो आईसी चेंज करने से भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मैंने मोबाइल ओपन किया है। जो इस साइड का जो आईसी है वाटर डैमेज हुआ है दोस्तों, ये और ये आईसी, ये दो आईसी चेंज करने से, ये वाला नहीं, ये वाला आईसी चेंज करता हूँ मैं। पहले ये वाला करता हूँ, फिर चेक करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, मैं इसका जो ये वाला आईसी मैं यूज़ कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों जम्पर लगाने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन मेरे पास पार्ट अवेलेबल है, इसकी वजह से मैं पार्ट ही डालता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से शॉर्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दोस्तों। और थोड़ा फ्लक्स लगा के ऐसे रिवॉल्व करो दोस्तों। दोस्तों, अच्छी तरह से रिवॉल्व करो ताकि मैंने पहले मल्टीमीटर से टोटल कंटिन्यू चेक की, जो मैंने आपको दिखाई थी दो आईसी, वो आईसी कंटिन्यू दो ट्रैक नहीं दिखा रहे थे दोस्तों।
ये देखो दोस्तों, मैंने जो 350 का स्क्रैप बोर्ड था उसमें से ये वाला जो आईसी दिखता है वो चेंज किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दोस्तों। इसे जंपर लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ से यहाँ जंपर देने का, ठीक है। मल्टीमीटर से टोटल ट्रैक चेक करके जो ब्रेक हुआ है वो जंपर लगा के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दोस्तों। मैंने जो दो आईसी थे उसके दो तीन पॉइंट ब्रेक थे, इसके वजह से मैंने डायरेक्ट आईसी चेंज किया, नहीं तो जंपर लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता दोस्तों। ओके।